इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई एक कैटेगरिकल वेरिएबल और एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो हम कैसे उन दो वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन को चेक कर सकते हैं, और हम ये अस्यूम करके चलेंगे कि जो हम कैटेगरिकल वेरिएबल ले रहे हैं उनमें दो कैटेगरीज हो। जिस भी कैटेगरिकल वेरिएबल में दो कैटेगरीज होते हैं हम उनको बोलते हैं डाइकोटमस। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जेंडर वर्सेज ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन का एग्जाम्पल है, तो वहां पर हमने देखा कि जेंडर में हमारे पास दो कैटेगरीज थे, फीमेल एंड मेल, राइट। उसी तरह अगर हम ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन की बात करें तो ओनरशिप, तो यहाँ भी यस एंड नो। तो ये जो हमारे कैटेगरीज है, ये जो हमारे वेरिएबल्स है, जेंडर ओनरशिप, इनके दो कैटेगरीज है, राइट। तो ऐसे वेरिएबल्स हम ऐसे वेरिएबल जिनके दो कैटेगरीज होते हैं उनको डाइकोटमस वेरिएबल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है जेंडर वर्सेस मार्क्स, राइट। तो एक टीचर इंटरेस्टेड है यह जानने में कि क्या फीमेल स्टूडेंट्स उनके क्लास में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू द मेल स्टूडेंट। तो यह इसके लिए टीचर ने 20 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, ओके, 20 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया और हर एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 ये भी कलेक्ट किया, ओके। तो हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक स्टूडेंट का जेंडर क्या है और उसको उनको कितने मार्क्स मिले हैं हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट है वो फीमेल है और उसको 71 मार्क्स मिले हैं। उस तरह सेकेंड स्टूडेंट भी फीमेल है और उसको 67 मार्क्स मिले हैं। थर्ड स्टूडेंट भी फीमेल है और 65 मार्क्स मिले हैं, सो ऑन। अगर एट स्टूडेंट देखें तो ये भी फीमेल है और इसको 85 मार्क्स मिले हैं। तो ये हमारा डेटा सेट है जो टीचर ने कलेक्ट किया है। और अब हम देखना चाहते हैं कि क्या फीमेल स्टूडेंट्स ने बेटर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू मेल स्टूडेंट्स। ये समझना चाहते हैं कि क्या जेंडर और मार्क्स में कोई एसोसिएशन है। तो इसको चेक करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करेंगे। पर उससे पहले, सिंस जेंडर हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल है, तो इसको हम इनकोड कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा, हमने जेंडर को इनकोड कर लिया, राइट। तो हमने फीमेल को इनकोड किया है नंबर 1 से और मेल को कोड किया है 0 से, ओके। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि जेंडर वर्सेस मार्क्स के लिए हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कॉलम डी कॉलम ई है, ये सब मान लेते हैं कि कॉलम डी और कॉलम ई जो है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और कॉलम एफ और कॉलम जी में किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए सेम ही स्टूडेंट्स के लिए ये मार्क्स आए हैं, ओके। तो अब हम इस डेटा सेट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जेंडर और मार्क्स में कोई एसोसिएशन है। तो स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम पहले डेटा सेट के लिए ड्रॉ करते हैं। तो हमने इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो इंसर्ट में जाकर हम क्लिक करेंगे चार्ट पर। तो ये हमें लाइन चार्ट मिल रहा है पर हमें चाहिए स्कैटर प्लॉट। तो चार्ट टाइप पे जाकर हम क्लिक करेंगे स्कैटर प्लॉट पे और ये हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया। अब हम कॉलम डी को एज लेबल्स यूज करेंगे क्योंकि हमारा कॉलम डी जेंडर है जो कि फीमेल और मेल है, हम इसको एज लेबल्स यूज करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 0 है वो मेल रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डेटा सेट से हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ जो हमारे मेल स्टूडेंट है और जो फीमेल स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम रेंज में आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि इन दो कैटेगरीज के बीच, ये इन दो वेरिएबल्स के बीच, जेंडर वर्सेस मार्क्स, इन दो वेरिएबल्स के बीच जो एसोसिएशन है वो नहीं है। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, हम कस्टमाइज में जाकर ग्रिड लाइंस एंड टेक्स्ट पे जाएंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे मेजर स्पेसिंग टाइम स्टेप है, इसको हम बंद कर देते हैं और ये हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया जेंडर वर्सेस मार्क्स के लिए। ये पहला डेटा सेट है हमारा।
तो इस डेटा सेट के लिए हमारा स्कैटर प्लॉट है और हमने यहाँ से देखा कि जो पहला सेट ऑफ डेटा सेट था हमारा, वहाँ पर जेंडर और मार्क्स में कोई एसोसिएशन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ऑलमोस्ट सेम रेंज में लाई कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो दोनों कैटेगरीज के लिए सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन नहीं है इन दो वेरिएबल्स के बीच में। पर अब है कि हम ओके तो वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इस दूसरे एग्जाम्पल में डिलीट कर देते हैं। तो इस दूसरे एग्जाम्पल के लिए जब हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो इंसर्ट में जाकर चार्ट पर ये हमारा स्कैटर प्लॉट FS कॉलम कस्टमाइज हेडलाइंस एंड टेक्स्ट देन स्टेप साइज 1। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया सेकेंड डेटा सेट के लिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कुछ 72 और 65 के बीच लाई कर रहे हैं, वहीं जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 75 से ऊपर है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हमारे वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल। तो सेकेंड डेटा सेट के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे जेंडर वर्सेस मीन्स फीमेल मीन जेंडर और मार्क्स में एसोसिएशन है, क्योंकि हमारे फीमेल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट। तो यहाँ से हम इजली ये बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम ये हो गया कि हम कैसे विजुअली देख सकते हैं कि एसोसिएशन है या नहीं, पर इन स्कैटर प्लॉट में हम लाइन को फिट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 100 कैटेगरीज है। तो यहाँ से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो ऐसे केसेस के लिए जहाँ पर हमारे एक वेरिएबल कैटेगरिकल हो और दूसरा वेरिएबल न्यूमेरिकल हो, उनके बीच में अगर हमें एसोसिएशन के स्ट्रेंथ को जानना है तो हम यूज़ करेंगे पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं? तो मान लेते हैं कि हमारा जो x है वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, ओके, सपोज कि x हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल है और y हमारा एक कैटेगरिकल वेरिएबल है, ओके। तो हमारे एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है x वो हमारा है मार्क्स और जो कैटेगरिकल वेरिएबल है y वो हमारा है जेंडर, और जेंडर में दो कैटेगरीज है, एक फीमेल और दूसरा मेल। अब पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि हम इस डेटा सेट को ग्रुप्स में डिवाइड कर ले, ओके, दो सेट में डिवाइड कर ले। तो ग्रुप द डेटा इनटू टू सेट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डाइकोटमस वेरिएबल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो कैटेगरीज है, राइट, यहाँ पर हमारा जो पहला कैटेगरी है वो है फीमेल और दूसरा कैटेगरी है मेल। तो जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो हमारा एक ग्रुप हो गया और जितने भी मेल स्टूडेंट हैं वो हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। अब फीमेल स्टूडेंट का जो ग्रुप है उनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो भी आएंगे उन सबका हम उनके उनके जो भी मार्क्स आएंगे उनको हम एक जगह कर लेते हैं, और मेल कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो भी मार्क्स हैं उनको हम एक जगह कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने पूरे डेटा सेट को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ओके, सो ग्रुप द डेटा सेट इनटू टू सेट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डाइकोटमस वेरिएबल वाई। तो जो भी इस जेंडर वेरिएबल के बेसिस पे हमने डेटा सेट को दो सेट में डिवाइड कर दिया। अब सेकंड है कि हम दोनों ग्रुप का मीन कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ये जो हमारा पहला ग्रुप था फीमेल का, ये मान लेते हैं ग्रुप वन है और ये है ग्रुप टू। तो ग्रुप वन में हर एक फीमेल स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आए हैं उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, और मेल कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स आए हैं उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, ओके। तो वाई नॉट बार जो होगा वो डिनोट करेगा ग्रुप
y का, ग्रुप y इज इक्वल टू जीरो का। और हमारे एग्जाम्पल में हमने जब इनकोड किया था तो हमने फीमेल को इनकोड किया था 1 से और मेल को इनकोड किया था 0 से। ओके, तो इसको 1 और 0 कर लेते हैं। तो फीमेल को हमने 1 से इनकोड किया था और मेल को 0 से इनकोड किया था। तो हम जो ग्रुप 1 जो फीमेल कैटेगरीज के लिए जो मार्क्स का हम मीन निकालेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई नॉट बार से। और मेल कैटेगरी में जो मार्क्स आए हैं उनका मीन निकालने के बाद हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी ये वाई वन बार और ये हमारा वाई नॉट बार। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो लेट वाई नॉट एंड वाई वन बी द मीन वैल्यूज ऑफ ग्रुप्स, वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन। अब थर्ड स्टेप है कि हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें। तो पी नॉट क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप विथ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ग्रुप हमारा वाई इज इक्वल टू जीरो, ये जो ग्रुप है वो मेल के लिए है। अब इस मेल में टोटल जितने भी मेल्स हैं उनको अगर हम डिवाइड कर ले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो वो हमें क्या दे देगा? वो हमें प्रोपोर्शन दे देगा पी नॉट, जो कि नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट मेल कैटेगरी में है, राइट, इसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और कितने स्टूडेंट हमारे टोटल है, राइट। तो अगर हम कह रहे हैं कि एन हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास है, राइट, और उनमें से एन नॉट जो है वो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स है क्लास में, और एन वन जो है वो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट है क्लास में, तो P नॉट जो हो जाएगा वो हमारा N नॉट डिवाइडेड बाई N हो जाएगा। तो ये P नॉट हमें दे रहा है कि कितने प्रोपोर्शन मेल हमारे क्लास में है। उसी तरह से हम F1 फीमेल के लिए P1 फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये P1 क्या होगा? N1 डिवाइडेड बाई N। तो N1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो हमारे क्लास में है, और N है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे क्लास में है। तो ये हमें वो प्रोपोर्शन दे रहा है फीमेल स्टूडेंट्स का जो हमारे क्लास में है। ओके, तो हमने पी नॉट कैलकुलेट कर लिया और पी वन कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एस एक्स बी द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल वाई। तो हमने देखा कि एक्स जो है वो मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मार्क्स हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल था, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो हम उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। तो हम मार्क्स वेरिएबल के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन एस ऑफ एक्स निकालेंगे। तो जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट जो कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको हम कहते हैं कि ये वाई नॉट इक्वल, सॉरी, ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो अब वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट टाइम्स P1। तो यहाँ पर Y नॉट बार क्या है? Y नॉट बार जो है वो मेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनके जो मार्क्स आए हैं उसका एवरेज है, राइट। अब Y1 बार क्या है? Y1 बार जो है वो फीमेल कैटेगरी में जो स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स आए हैं उसका एवरेज है, राइट। Sx क्या है? Sx है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स। Sx क्या है? Sx जो है वो मार्क्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है, राइट। ओके, और P नॉट क्या दे रहा है? P नॉट जो है वो ये दे रहा है कि हमारे क्लास में कितने प्रोपोर्शन लोग मेल हैं, और P1 दे रहा है कि हमारे क्लास में कितने प्रोपोर्शन वो फीमेल है, राइट। तो ये हमारे स्टेप है जो हम फॉलो करेंगे पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। अब हम गूगल शीट में देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब जो पहला स्टेप था हमारा वो था कि हम डेटा सेट को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, राइट। तो हमने और ये दो ग्रुप में हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? बेस्ड ऑन कैटेगरिकल डेटा। तो कैटेगरिकल डेटा के पास दो कैटेगरीज थे, राइट। तो कैटेगरीज के बेस पे हम दो सेट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा जो पहला कैटेगरी है वो फीमेल का होगा और दूसरा मेल का होगा,
और हमने फीमेल को इनकोड कर लिया था 1 से और मेल को इनकोड कर लिया था 0 से, राइट। हम देख सकते हैं जो पहला स्टूडेंट है वो फीमेल है, उसको हमने 1 से इनकोड किया है, उसके मार्क्स 71 आए हैं एक टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में 86। इस तरह से हम सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें इनको दो सेट में डिवाइड करना है, तो हमने इसको दो सेट में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन कैटेगरीज मेल एंड फीमेल। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में हम इन दो कैटेगरीज के जो मार्क्स आए हैं उसका मीन निकालते हैं, राइट। तो दो कैटेगरीज के लिए जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, राइट, उसका हम मीन निकालते हैं। तो हमारे पास अब जो मार्क्स है, राइट, तो द फर्स्ट फीमेल को 71 मार्क्स मिले हैं, सेकेंड को 67, थर्ड को 65, जो फोर्थ स्टूडेंट है वो मेल है और उसको 69 मार्क्स मिले हैं। तो हमें क्या करना है कि जितने भी फीमेल्स हैं उन सबके मार्क्स को ऐड करके, राइट, हम उन सबके मार्क्स को ऐड करके उनका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे डेटा सेट में कितने फीमेल स्टूडेंट है और कितने मेल स्टूडेंट है। तो ये चेक कर लेते हैं हम, राइट। तो इसको चेक करने के लिए हमने यूज किया है काउंटिव फंक्शन। तो ये काउंटिव फंक्शन क्या दे रहा है, तो ये काउंटिव फंक्शन दे रहा है कि इस डी कॉलम में जितने भी जीरो हैं वो हमें ये काउंटिव फंक्शन दे रहा है। तो इससे हमने देखा कि जीरो को हमने रिप्रेजेंट किया था मेल के लिए, तो अगर हम ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इस डी कॉलम में कितने जितने भी जीरो वैल्यूज है, जीरो जितनी भी वैल्यू जीरो है वो हमें नंबर ऑफ मेल दे देगा। तो हमारे मेल हमने निकाल लिया कि मेल पॉपुलेशन हमारे जितने मेल स्टूडेंट है वो 8 है और फीमेल स्टूडेंट 12 है टोटल, ओके। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, ओके। तो हमें अब क्या करना है कि हमें जितनी भी फीमेल कैटेगरीज में स्टूडेंट है उन सबके मार्क्स को ऐड करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे और ये हमें जितने भी फीमेल और मेल स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स आए हैं उनको सम करके दे देगा। और इस सम इफ फंक्शन को कैसे यूज करना है हम वीक 4 के ट्यूटोरियल में ऑलरेडी देखेंगे, ओके। तो ये सम इफ फंक्शन यूज करके हमें मिल गया कि जितने भी मेल स्टूडेंट है उनके मार्क्स 658 है और फीमेल स्टूडेंट है उनके मार्क्स 944 है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कैटेगरीज के लिए सैम्पल मीन, हमें उन दोनों कैटेगरीज के लिए मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने टोटल मार्क्स निकाल लिया मेल कैटेगरी के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए, और हमें ये भी पता है कि हर एक कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स थे। तो वाई नॉट बार जो होगा हमारा वो दे देगा सैम्पल मीन ऑफ मेल स्टूडेंट, राइट, क्योंकि हमने जीरो से मेल को डिनोट किया था। अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 658 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो ये हमारा आ गया 82.25। और y1 बार जो है वो हमें दे देगा सैंपल मीन ऑफ सैंपल मीन मार्क्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट, और ये क्या होगा 944 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा 78 हो गया, ओके। अब थर्ड स्टेप क्या कहते हैं कि जब हमने मीन निकाल लिया दोनों ग्रुप का तो हमें निकालना है प्रोपोर्शन। तो हमारे पॉपुलेशन में हमारे डेटा सेट में पहले ग्रुप का क्या प्रोपोर्शन है और दूसरे ग्रुप का क्या प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी है, तो हमें देखना है कि मेल कैटेगरी में कितने का क्या प्रोपोर्शन है और फीमेल कैटेगरी का क्या प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो पी नॉट होगा वो हमें देगा कि क्या प्रोपोर्शन मेल का हमारे क्लास में है, और वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 20, राइट। तो ये 8 डिवाइडेड बाई 20 हमें पी नॉट दे देगा, और T1 जो होगा वो 12 डिवाइडेड बाई 20 होगा। तो ये हमने पी नॉट P1 निकाल लिया। तो हमारे पास हमने y0 बार y1 बार निकाल लिया, और हमने P0 और P1 भी निकाल लिया। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालना है, राइट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x के लिए, तो x क्या है हमारा, x एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है और न्यूमेरिकल वेरिएबल है मार्क्स, राइट।
तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया और वो है 9.57. ओके, तो ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जो कि वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार है डिवाइडेड बाई एस एक्स टाइम्स पी नॉट टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी नॉट टाइम्स पी वन. तो जब हम इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो हमारा जो है वो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इस डेटा सेट के लिए 0.188 आएगा. और सेम चीज जब हम दूसरे डेटा सेट के लिए करेंगे तो हमारा जो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो -0.96 है. तो यहाँ पे ये माइनस साइन क्या है, राइट? तो ये माइनस साइन जो है इसको हम ऐसा नहीं है कि 0.188 ही हो सकता है, ये -0.88 भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि हमने इनकोड कैसे किया है. तो हमने इस एग्जाम्पल में फीमेल को इनकोड किया था 1 से और मेल को इनकोड किया था 0 से. अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, अगर हम मेल फीमेल को 1 से 0 से इनकोड कर दे और मेल को 1 से इनकोड कर दे, राइट, तो उस केस में हमारा जो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो यहाँ पर चेंज हो गया और ये है -0.188 और ये हमारा दूसरे एग्जाम्पल में ये पॉजिटिव हो गया, राइट, ये हो गया 0.96. तो ये बस हमने कैसे कैटेगरीज को इनकोड किया है इस पर डिपेंड करता है. तो इसको वापस से चेंज कर देते हैं. तो ओरिजिनली हमने इसको 1 से इनकोड किया था और इसको 0 से इनकोड किया था. ओके, तो हमने देखा कि हम कैसे गूगल शीट के हेल्प से पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर बहुत जगह पर हम ये भी देखेंगे कि ये जो अंडर रूट ऑफ पी नॉट टाइम्स पी वन है, बहुत जगह पर इसको हम अंडर रूट ऑफ, तो पी नॉट के जगह ये एन नॉट डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और पी वन के जगह पी वन हमारा क्या है एन सॉरी पी नॉट इज एन नॉट डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और पी वन क्या है एन वन डिवाइडेड बाय एन. तो ये जो है करेक्शन फैक्टर है और बहुत जगह पे इस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ पी नॉट टाइम्स पी वन की जगह हम ये भी यूज करते हैं. तो हमने इस वीक में देखा कि जब हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है तो हम कैसे उन दो वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन को चेक कर सकते हैं. तो जब हमारे पास कोई दो कैटेगरिकल वेरिएबल था तो हमने उनके बीच एसोसिएशन को चेक करने के लिए कंटिंजेंसी टेबल, रो रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज, कॉलम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज, इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन को चेक किया था. वही जब हमारे पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे तो हमने उनके बीच एसोसिएशन, कोवेरियंस और कोरिलेशन के हेल्प से चेक किया. और इस लेक्चर में हमने देखा कि जब हमारे पास कोई एक कैटेगरिकल वेरिएबल हो और एक न्यूमेरिकल वेरिएबल हो तो हम कैसे पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करके इन दो वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन को मेजर कर सकते हैं. थैंक यू.